सबको जय यीशु। जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार आज मैं प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, आराधना करने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए इस पल हम प्रभु के साथ बिताएं, इस समय को हम प्रभु को दें। प्रभु ने हमें सुबह से अब तक संभाला, हमारे जन्म से आज तक हमें संभाला, बहुत आशीषें उसने हमें दी, उसने हमें मुंह मांगा वरदान दिया, हमारी योग्यता से ज़्यादा, हमारी औकात से ज़्यादा, हमारे मांगने से ज़्यादा उसने हमें दिया, जो हमने चाहा उसने हमारे लिए किया। वो भला प्रभु कितना हमसे प्यार करता है, उसके प्रेम के लिए हम उसकी महिमा करें, हम उनकी आराधना करें। प्रिय भाई, इस समय हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दें और दिल की गहराई से प्रभु की आराधना करें। जीवन के वरदान के लिए, सभी आशीषों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु इस समय आपको छुए, स्पर्श करें और आपको बहुत आशीष दें, आपके बिगड़े कार्यों को प्रभु बनाए, आपके घर में आशीष और बरकत आए, आपके जीवन में तरक्की और उन्नति हो, प्रभु के प्यार से आप भर जाएं, आपके जीवन में कोई संकट, कोई दुख ना आए। आज हम प्रार्थना करेंगे इससे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस समय हमारे जीवन के लिए, और जो जिम्मेदारियां प्रभु ने हमें सौंपी हैं, प्रभु उन्हें योग्य रीति से, ईमानदारी से, वफादारी से, आत्मा से भरकर उन्हें निभाने की हमें शक्ति और कृपा प्रदान करें। तो आइए इस समय हम कुछ देर प्रभु की स्तुति करेंगे और वचन को सुनते हुए हम एक दूसरे के लिए और अपने लिए प्रार्थना करेंगे। का शुक्र करें जिसने हमें ये दिन दिया, हमें ये दिन दिखाया है, शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया।
दिखाया है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा करें। गाया शुक्र तेरा हमें ये दिन दिखाया है। गाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया नजरे करम रखना। जैसे आज तक तेरी रहमत का हम पर साया है, कि जैसे आज तक तेरी रहमत का हम पर साया है। आगे भी तू हमें संभालना, हमारी रक्षा सुरक्षा करना, तेरी आशीष से हमें भर देना। उसकी रहमत का हम पर साया है। शुक्र तेरा हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र तेरा हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए और अपना सर झुकाया, उसके चरणों में हम आए हैं। दर पर हम आए हैं और अपना सर
हिफाजत का लिए शुक्राना आए हैं इबादत को हिफाजत का लिए शुक्राना आए हैं इबादत को हिफाजत का लिए शुक्राना आए हैं कि तूने मुश्किलों के दौर में तूने मुश्किलों के दौर में मुश्किल समय में तूने हमारा साथ दिया तूने मुश्किलों के दौर में रास्ता दिखाया है प्रभु तूने हमें उस समय रास्ता दिखाया जब हम सकल थे जब हम दुख में थे जब हम परेशान थे जब कोई हमारा हालेलुया हालेलुया
शुक्र है तेरा, हमें यह दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें यह दिन दिखाया है। कलामी पाक में तूने हमें यह गुण सिखाया है। कलामी पाक में तूने सिखाया है, कलामी पाक में तूने हमें यह गुण सिखाया है। कलामी पाक में तूने हमें यह गुण सिखाया है। जैसे आज तक तेरी रहमत का हम पर साया है, कि जैसे जैसे आज तक तेरी रहमत का मुझ पर साया है। मिलकर खुदाया शुक्र है तेरा, मुझे यह दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, मुझे यह दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें यह दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की तारीफ करें। मेरे भाई मेरी बहन, उसने हमें जीवन दिया, उसने हमें अपना लहू बहाकर बचाया। वो कितना भला है प्रभु, उसने मुश्किल घड़ियों में, मुश्किल दौरों में रास्ता दिखाया। धन्यवाद यीशु। ओ प्रभु, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो तेरी महिमा। धन्यवाद। यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी तारीफ 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 तारीफ, महिमा 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 महिमा, आराधना आराधना आराधना। तुझे धन्यवाद हृदय प्रभु, तेरे अभिषेक से, तेरे सामर्थ से, तेरे पावन लहू से हमें शुद्ध कर दे प्रभु, हमें नया बना प्रभु, हमें लायक बना, योग्य बना। ओ प्रभु, तेरे सभी वरदानों के लिए, तेरे द्वारा मिली हुई आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद प्रभु। तूने हमारे जीवन में जो चिन्ह और चमत्कार किए, जो अद्भुत कार्य किए, जो तूने हमें आशीष दी, जीवन दिया, परिवार दिया प्रभु, नौकरी दी, आशीष दी, घर दिया, मांगने से ज्यादा, योग्यता से ज्यादा दिया। यीशु धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आराधना तेरी आराधना। मेरे भाई मेरी बहन, दिल खोल कर आराधना करें, दिल खोल कर पुकारें। आपका प्रभु इस समय आपको छू रहा है, आपका प्रभु आपको अभिषेक से, आत्मा से भर रहा है। ओ रब 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 जी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना करें मेरे भाई, प्रार्थना करें इस समय अपने घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने बिगड़े हुए कार्यों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आशीष उतार रहा है, आप पर आशीष की वर्षा हो रही है। ओ धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। इस समय सारे बंधन खुले यीशु मसीह के नाम पर प्रभु। सारे अंधकार की शक्तियां, बुराइयां यीशु तेरे नाम पर उखड़ जाएं, बीमारियां उखड़े, गरीबी दूर हो, तमाम प्रकार की अशुद्ध बातें नष्ट हो जाएं। वो जो पौधा ईश्वर ने, स्वर्ग के पिता ने नहीं रोपा है, हमारे जीवन, हमारे घर, हमारे परिवारों में यीशु नासरी के नाम पर उखड़ जाए। इसी समय, इसी समय प्रभु यीशु चिन्ह और चमत्कार प्रकट कीजिए। वचन में लिखा है ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के नाम पर चिन्ह और चमत्कार होते हैं। इसी समय मेरे भाई और बहनों के जीवन में चमत्कार हो, आशीष उतरे, पवित्र आत्मा उतर आए, उतर आए, उतर आए, उतर आए, उतर आए, उतर आए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद।
हलरिया 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 मेरे भाई मेरी बहन, इस समय हमने प्रभु की आराधना की है, प्रभु की स्तुति की है, प्रभु का अभिषेक, प्रभु की सामर्थ्य हमारे बीच में है, उसका प्रेम आप पर इस समय उतर रहा है। अपने हाथों को खुला रखें, अपनी झोलियों को उसके सामने फैलाएं, अपनी तकलीफों को उसके सामने रखें और उस पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा यीशु के आत्मा, पिता के आत्मा, आपके आने पर बिगड़े काम बन जाते हैं, असंभव संभव हो जाता है। इस समय हमारे बीच में हम पर उतर आइए और हमें विशेष अनुग्रह कृपा और आत्मा की सामर्थ्य से हमें भर दीजिए। ओ पुकारे इस समय, कहें आइए पवित्र आत्मा, मुझे जीवन देने आइए, मुझ में अपनी ज्योति जलाने आइए, मेरे जीवन के अंधकार को मिटाने आइए, मेरे आंसुओं को पोंछने आइए, मेरे जीवन में जो रुकावट और बाधाएं हैं उन रुकावट और बाधाओं को खोलने आइए। सारे बंद दरवाजे इस समय प्रभु के सामर्थ्य उतरने पर खुल जाए, खुले इसी समय। पुकारे, दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं और एक साथ ऊंची आवाज में हम पवित्र आत्मा का स्वागत करते हुए अपने जीवन में अपने बीच में उसे बुलाते हुए कहें, तू आ, तू आ पवित्र आत्मा, तू आ पवित्र आत्मा, अभिषेक मेरा करने, पवित्र आत्मा ये मेरा अभिषेक करने, ताकि मैं योग्य रीति से तेरी महिमा, तेरी सेवा कर सकूं, तेरे वचन को सुना सकूं, तेरे सामर्थ्य से भर जाऊं और तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में, मेरे परिवार में रहे। अभिषेक किया, तू आ, तू आ, तू आ पवित्र आत्मा। जैसे तूने यरमिया ईसाई नबी का अभिषेक किया, मेरा भी अभिषेक कर दे। अभिषेक दिया, मुझे भी वही अभिषेक दे। पवित्र आत्मा, यस जीसस, अभिषेक मेरा कर। मेरे भाई और बहनों को इनकी परिस्थिति से बाहर निकालने का मार्गदर्शन करने, इन्हें राह दिखाने, तू आ पवित्र आत्मा, वरदान से भरने। थैंक यू लॉर्ड, तेरे ज्ञान से भरने, ज्ञान मांगे वरदान से भरने। प्रभु कहता है जिसे प्रज्ञा की, ज्ञान की कमी हो, वो अपने ईश्वर से मांगे, वो खुले हाथों में प्रज्ञा और ज्ञान का वरदान देगा। प्रज्ञा से भरने, आमीन। तू आ, पुकारे, तू आ, तू आ
अभिषेक मेरा करने, तू आ पवित्र आत्मा अभिषेक मेरा करने। थैंक यू जीसस। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, उनका सम्मान आदर करें, हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद रखें। इस समय हम प्रार्थना करें। महान प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं। प्रभु तूने हमें बुलाया है, तूने हमें आकर्षित किया, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो वरदान, जो महान कार्य, जो चिन्ह और चमत्कार तूने हमारे जीवन में किए, उसके लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं उन संकट के समय, उस दुख के समय, विपत्ति के समय, जब कोई हमारे साथ नहीं था, सबने हमें छोड़ दिया था, हम दुखी थे, परेशान थे, निराश थे, हताश थे, पैसे की कमी थी, बहुत दुख था। लेकिन उस समय प्रभु, जब सबने छोड़ा, तूने अपनाया। तेरा वचन कहता, भले ही तुम्हें एक माँ भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। तूने अपने सीने से हमें लगाया, तूने अपने गले हमें लगाया, तूने हमारी परवाह की, तूने हमारी देखरेख की, तूने नहीं छोड़ा। तूने उस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, हमें रास्ता दिखाया, और रास्ता दिखाते हुए तू हमें बाहर लाया। प्रभु आज हम जो कुछ भी हैं वो तेरी बदौलत है। आज जो कुछ हमारे पास है प्रभु, वो तेरा है। ये शरीर तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये परिवार तेरा है, ये घर तेरा है। तू इस घर का मुखिया बन प्रभु, तू हमारा मार्गदर्शन कर, तू हमें रास्ता दिखा, तू हमें आशीष दे, तू हमारे साथ रहे प्रभु। जब तू हमारे साथ है, जब तू हमारे साथ रहेगा, कोई संकट, कोई दुख हमारे साथ नहीं हो सकता प्रभु। मेरे इन भाई और बहनों को तू कृपा से भर, वो अनुग्रह कर प्रभु, जो अनुग्रह करने का तूने वादा किया। मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा प्रभु। हमारे आने वाले जीवन में, आने वाले घड़ियों में, हमारे आने वाले पलों में, दिनों में तू हमारे साथ रहना। जैसे तूने कहा वचन में, मैं मूसा के जैसे, मैं मूसा के साथ रहा, तेरे साथ रहूंगा प्रभु। जैसे तू इसराइलियों के साथ रात में अग्नि का खंभा बनकर के चला और दिन में छाया बनकर उनके साथ रहा, तू हमारे साथ भी रहना प्रभु। हम तेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, हम तेरे बिना अधूरे हैं प्रभु। जैसे तेरे चेलों ने तुझसे कहा, प्रभु हम जाएं तो जाएं कहां, तेरे सिवा हम कहां जाएं, तेरे पास ही तो अनंत जीवन है। प्रभु हमसे कभी ऐसा ना हो कि हम तुझे छोड़ दें, हम तुझे भूल ना जाएं। प्रभु हमें ऐसी कृपा देना, हम टूट ना जाएं, हिम्मत ना हार पाए। तो हमें शक्ति प्रदान कर इस समय प्रभु। हमारी बीमारियों को भी तू दूर कर, हमारी सहायता कर। हमें तेरी सहायता की, मदद की जरूरत है प्रभु। जब तू मदद और सहायता करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा प्रभु। तू हमें बल प्रदान कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है, जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Yes, Lord. ओ प्रभु तेरा बल हमें दे, पवित्र आत्मा का बल, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें दे प्रभु। दया कर प्रभु, हमारी तकलीफों को हम तुझे देते हैं, हमारे दर्द को, हमारी गरीबी को तुझे देते हैं, हमारे संकट को हम तुझे देते हैं। लोग हमें सताते हैं, बुरा भला कहते हैं, अपमानित करते हैं, हमारी परवाह नहीं करते, हमसे प्यार नहीं करते, हमारे विरोध में बहुत लोग खड़े रहते हैं प्रभु। हमें शक्ति दे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु इस समय मेरे ये भाई और बहन तुझसे मांग रहे हैं, इन्हें वरदान दे, इन्हें छू, इन्हें आशीष दे, इन्हें तेरे साथ बैठने की कृपा दे। तेरे प्रति हम सबको वफादार और ईमानदार बना प्रभु। हमारे कार्य जो हम कर रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिल रही, तू आ और हमें सफलता प्रदान कर प्रभु। मेहनत कर रहे हैं लेकिन आशीष नहीं आ रही, प्रभु आशीष दे।
बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। आज तू वो कर जो अब तक नहीं हुआ। प्रभु तू अपना महान कार्य दिखा, चमत्कार कर, चमत्कार कर प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर चमत्कार होते हैं। आज भी प्रभु तू चमत्कार करने में सामर्थ्य है। मेरे इन भाई और बहनों के जीवन में चमत्कार कर प्रभु। तू एहसास दिला तू हमारे साथ है। थैंक यू जीसस। प्रेमी पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं आपकी महान पवित्र उपस्थिति के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, हमें वरदान आशीष देने के लिए, हमें छूने के लिए धन्यवाद। हमारी आराधना को ग्रहण करने के लिए तुझे धन्यवाद। इस समय हमने जो कुछ तुझसे मांगा, प्रार्थना की, वो प्रार्थना तूने सुन ली, पूरी की है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता, और सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं, और यीशु के नाम पर हम प्रार्थना को मांगते हैं। बोले आमीन 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 आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, प्रभु की आराधना हमने की, प्रभु ने अपनी सामर्थ्य हम सब पर उड़ेली है। उस प्रभु को धन्यवाद दें जिसने मुश्किल समय में, संकट के समय में हमें संभाला, आशीष दी। वचन बताता है, संकट के समय तुमने मुझे पुकारा और मैंने तुम्हारी सुनी। उस प्रभु ने हमारी सुनी। उस प्रभु को धन्यवाद दें। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ इस समय इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, प्रार्थना को शेयर करने के लिए और आपका प्यार देने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहन, आप लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना की, हमारे परिवार के लिए, हम दोनों के लिए, आपको धन्यवाद। प्रिय भाई और बहन, आप लोगों की प्रार्थना की हम लोगों को बहुत ज़रूरत है। आप हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करें। आपसे अनुरोध है, विनती है, निवेदन है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए, वो ईमानदारी, वफादारी, प्यार हमारे बीच बना रहे, और प्रभु अपनी महिमा के लिए, आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, प्रभु का सुसमाचार फैलाने के लिए, प्रभु के सुसमाचार की घोषणा करने के लिए, प्रभु का साक्ष्य बनने के लिए, प्रभु हमें ऐसे ही इस्तेमाल करता रहे। हमारे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा से, अभिषेक से और भरे, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। मैं, मेरा परिवार आप लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करता है, आपके द्वारा भेजे हुए निवेदन प्रार्थनाओं के लिए। प्रिय भाई और बहन, आप में से भी जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, नए हैं, आप हमें अपना प्रार्थना निवेदन और अपनी गवाही प्रार्थना कराने के द्वारा, प्रार्थना देखने के द्वारा जो आपको आशीष मिली, वो गवाही भी आप हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या कोई अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, एक ही नंबर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और जो लाइन आपके सामने चल के आती है वहाँ पर भी मिल जाएगा। हमारा नंबर है 8279997397। प्रिय भाई और बहन, प्रभु में बने रहें, आनंदित रहें, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, तरक्की और उन्नति, और अपने प्रेम से आपको भर दे, और आपके जीवन में कभी कोई दुख और संकट ना आए, ऐसी हमारी आपके लिए प्रार्थना है। मेरे प्रिय भाई और बहन, कल फिर हम इसी समय मिलेंगे, रात 8:30 बजे प्रभु की महिमा करेंगे एक साथ मिलकर। तब तक के लिए प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।